चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने दोनों से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज सबूत मांगे हैं। चुनाव आयोग 8 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। वहीं एकनाथ शिंदे खेमे ने दावा किया है कि वह असली शिवसेना है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने इसे कड़ी चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को पार्टी में विवाद पर अपना लिखित स्टेटमेंट देने को भी कहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उपजे शिवसेना पर संकट पर दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं। वहीं शिंदे गुट के पास पार्टी के 55 में से 40 विधायकों और 18 लोकसभा सांसदों में से 12 का समर्थन है। वहीं ठाकरे गुट पार्टी के कार्यकारिणी के समर्थन का दावा पर अपना पक्ष मजबूत किए हैं। बता दें कि इससे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था, जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने की मांग की थी। एकनाथ शिंदे खेमे ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में 55 में से 40 विधायकों और 19 लोकसभा सांसदों में से 12 के समर्थन का दावा किया। निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र में शिंदे गुट ने असल शिवसेना होने का दावा किया था।